की अहमियत को नहीं पहचाना रमजान हर साल आ रहा है रस्मी तौर तौर से से आ रहा है रस्मी से चला जा रहा है कस्टमरी आ रहा है बस कस्टमरी चला जा रहा है कर रहे हैं लेकिन जिंदगी बदलते नजर नहीं आ रही रमजान शुरू हुआ तो माशाल्लाह चेहरे काले काले नजर आने लगे है ना और बढ़ते 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 रमजान के आखिर तक तो कभी जो बेचारे साहब थे लोग बोल रहे हैं आपके छोटे भाई मेरे से मिलते थे बोलता नहीं छोटे भाई नहीं मैं छूँ अच्छा अच्छा आप ये माशाला चेहरा ऐसा हुआ कि मैं तो पहचान ही नहीं सका आप है और उसके बाद ईद के दिन मिल गए तो फिर वो बोलता आपके बड़े भाई मिले तो बोलता नहीं बड़े भाई हिमाइश था वो भी अरे आपकी दाढ़ी कहाँ गई नहीं वो रमजान था ना हो गया रमजान तो अगर रमजान आपने इतनी भी तब्दीली ना ला पाए कि आप नेक महीन दाढ़ी रखकर काट दी तो मैं नहीं समझता इस रमजान का को कोई फायदा हुआ और हम फिर नबी अक रम सिदुआ के मुस्तक हुए जो आपने बदुवा दी थी और कहा था लाना तो हलाकतों खराबियों बर्बादियों वैल हो जहनुम और शख्स के लिए जिसको रमजान मिले और रमजान के महीने को पाकर अपनी मफफरतना करवा सके अल्लाह से कहा मफफरत होंगी कि रब को खराजी किया और एक बात याद रखिये हम रब, हम जो है रबुल आलमीन जिसको अल्लाह कहते हैं उसकी इबादत करने वाले बंदे हैं हम रमजान के रब की इबादत नहीं करते हैं हम उस रब की इबादत करते हैं जो रमजान के अलावा बारह महीनों का रब है रमजान के रब की जो इबादत करे गाड़ी वाड़ी सब नमाजें चालू और उसके बाद फिर एक चांद दिखा जिसको मैं एक चांद दिखा तो दुनिया ही बदल गई और एक चांद दिखा तो फिर दुनिया बदल गई अभी चांद दिखेगा एक तो मस्जिदें पुरने वाली नहीं फिर एक चांद दिखेगा महीने भर के बाद फिर मस्जिदें जो है देखकर अफसोस होंगे कि यार कहाँ गए लोग सब मजिदे भी पुकारेंगे कहाँ गए वो लोग या गुमशुदा की तलाश कहाँ गए वो लोग इतने आते थे मेरे अंदर कि भर गई थी रास्ते बंद करना पड़ रहे थे है ना तो ऐसा ना हो एक चांद देखे जिंदगी में तब्दीली आई तो ये तब्दीली अगले चांद तक चलेंगी फिर रमजान आया जो कमी थी फिर रिचार्ज हो गए हम फिर अगले रमजान तक और इस रमजान कुछ गुना छोड़ के कुछ नेकियों को इख्तियार किया अगले रमजान तक फिर कुछ गुना छोड़े फिर कुछ नेकियों में इजाफा किया अगले तो हर रमजान हमको अच्छा और हाई ग्रेड इंसान बनाते जा रहा है एक ईमान के दर्जे में बुलंद 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 करता जा रहा है नेकियों में बुलंद कर रहा और गुनाहों के मामले में हमें पीछे लाता जा रहा, रहा है लेकिन हर रमजान आ रहा ट्रेनिंग तो हो रही फायदा तो नहीं अगर आपको कोई चीज सिखाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल में डाला जाए तीस दिन तो आप बहुत अच्छा काम करें और जैसी पास होकर सर्टिफिकेट में उसी दिन गलती कर ले तो आप क्या कहेंगे ये ट्रेनिंग बेकार और फालतू थी ये ट्रेनिंग बेकार और फालतू थी तो उसी तरह ना हो जाए और किसी कहने वाले ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि एक मरतबा एक घोड़ा था उस घोड़े को एक गंदी आदत थी कि जब पेशाब करता तो सूंघता तो एक बार क्या हुआ एक सवार जा रहा दूसरा सवार भी साथ था उसने कहा तेरे घोड़े को क्या प्रॉब्लम है कहा बहुत गलीज घोड़ा है हर बार पेशाब करता है तो सूंघने की आदत है तो उस एक घोड़ सवार ने जो बहुत सख्त किस्म का था कहा तुम उतरो वो घोड़े बैसे मैं बताता इसको अब वो सख्त किस्म का घोड़सवार था घोड़ा जैसी पेशाब करके सूंघता ऐसा मारता उसको कि घोड़े ने समझ गया पेशाब करे सूंघना नहीं तो वैसे सीधा चलता रहा अब घुड़सवार बहुत सख्त था घोड़ा तो लड़ गया चलते रहा बहुत दूर तक चला तो अब वो जो घुड़सवार बैठा था उसने बाजू वाले से कहा अब तुम्हारा घोड़ा ले लो माशाल्लाह इसको आदत हो गई अब ये पेशाब करके सूंघता नहीं जैसे ही ये सवार उतर के अपने घोड़े पे गया और पुराना सवार जिसका घोड़ा था इस पर बैठा घोड़ा फिर भागने लगा वापस और पूरी जगह जाए जा पेशाब किया सुखने लगा फिर जाकर क्योंकि तो वैसा ना हो जाए हमारे साथ जी रमजान आया तो झूठ बंद तकबर बंद चोरी चकारी बंद गाली गलोज बंद गई बंद पुड़िया बंद तंबाकू बंद छेड़छाड़ बंद है ना सब बंद और रमजान गुजरा एक महीने की कसर निकालने का अपने को तो पूरी रोज दो पुड़िया खाता था, था चार खाऊंगा क्योंकि वन मंथ तब तो पूरा वन मंथ का निकालूंगा ऐसा हो जाएगा तो फिर वही घोड़े की मिसाल होंगी जो सीधा चलता रहा जब तक तो घुड़सवार सख्त था जैसे घुड़सवार नरम आया तो फिर पूरे पेशाब सूंगने भागा वापस तो ऐसा ना हो जाए कि गुना छोड़ के निकल गए फिर भागो गुनाह की तरफ ठीक है